नमस्कार, मैं हूँ सुकृति रॉय चैटर्जी और बोल स्काई में आप सभी का स्वागत है। धार्मिक दृष्टि से कर्क संक्रांति काफी खास मानी गई है। इस दिन सूर्य मिथुन राशि से कर्क राशि में प्रवेश या गोचर करते हैं। पंचांग के अनुसार कर्क संक्रांति ऋतु परिवर्तन का भी संकेत है। ये खगोलीय घटना है और ये घटना तब होती है जब सूर्य कर्क राशि में प्रवेश करते हैं। बता दें कि इस साल कर्क संक्रांति का पुण्यकाल 16 जुलाई को सुबह 5:34 से शाम 5:09 तक रहेगा। ये कुल अवधि 11 घंटे की होती है। धार्मिक मतों के अनुसार दक्षिणायन को देवताओं की रात्रि कहा गया है। इस समय काल में सभी देवी देवता योग निद्रा में होते हैं। दक्षिणायन से चातुर्मास का प्रारंभ होता है। ऐसे में कोई मांगलिक कार्य जैसे विवाह, लगन, सगाई, मुंडन आदि न करने की सलाह दी जाती है। इस दिन सूर्यदेव को जल जरूर अर्पित करें। संक्रांति में की गई सूर्य उपासना से सभी दोषों का शमन होता है। इस दिन आदित्य स्तोत्र और सूर्य मंत्र ओम सूर्याय नमः का पाठ करें। इस समय में शहद का प्रयोग लाभकारी माना गया है। कर्क संक्रांति पर कपड़े और खाने की चीजें, खासतौर पर तेल के दान का खास महत्व है। उम्मीद करती हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।